हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोस्त हु आर यू, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारी जो वीडियो होने वाली है, जो हॉल होने वाला है, वो होने वाला है चिकनकारी कुर्तीज़ का। क्योंकि आपको पता होगा अभी चिकनकारी कुर्तीज़ जो है वो काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं, क्योंकि हर कोई, हर सेलिब्रिटी या चिकनकारी कुर्तीज़ ज़्यादा पहन रहा है। ये हमेशा यू नो ट्रेंड में रहा है और अभी कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड में चल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं चिकनकारी कुर्ती ऑर्डर करूं और वो आपके साथ शेयर करूं। तो हमारे पास है टोटल 4 चिकनकारी कुर्ती, जो कि बहुत ही सुंदर सुंदर है और बहुत ही अच्छे कलर में है। तो चलिए आज का ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। इसके हॉल पे दिए थे, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए। मैं ऊपर कार्ड में डालूंगी और डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक भी डाल दूंगी। उसमें बहुत सारी अलग अलग साड़ीज़ की वैरायटीज ऐड की है, जो कि अभी बहुत ही ट्रेंड में चल रही है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके पहले वो देख लीजिए। तो चलिए आज के ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी पहली कुर्ती है वो है स्काई ब्लू कलर की चिकनकारी कुर्ती, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है और पूरा हैवी चिकनकारी का वर्क किया गया है। आप देखेंगे तो मतलब पूरा यहाँ से पूरा इस तरीके की छोटे छोटे फ्लावर्स में साइड में दिए गए और ये बीच में ना पूरा चिकनकारी का हैवी वर्क है। और इसकी स्लीव जो आप देखेंगे तो ये जो मटेरियल है स्लीव का वो जॉर्जेट में रहता है, वो नेट में नहीं है। और क्योंकि वो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको पहनने में, बहुत ही सॉफ्ट लगेगा, इसलिए ये बहुत ही अच्छा आपको पहनने में कम्फर्टेबल रहता है। और इसकी स्लीव में भी चिकनकारी का जो वर्क है वो किया गया है। और इसमें साइड में कॉर्नर में देखेंगे तो इसमें भी आपको कट वर्क देखने को मिलेगा। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और इसका जो नीचे का पार्ट है उसमें भी आप देखेंगे तो कट वर्क किया गया है पूरा, और बहुत ही हैवी सा वर्क दिया गया है चिकनकारी का। तो मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। और इसकी क्वालिटी का मैं रेटिंग दूँ तो 5 out of 5 है, क्योंकि इसकी क्वालिटी भी टॉप नॉच है। और इसका जो मैंने बाय की है तो वो मैं आपको ना लिंक जहाँ से मैंने बाय किया है, ऑर्डर की है, उसका लिंक ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये सारे मैंने कुर्ती आजियो से ऑर्डर की है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट कुर्ती ख़त्म। और हमारी दूसरी कुर्ती है जो कि बहुत ही अच्छे पिंक कलर की है। ये कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और आप देखेंगे तो ये पूरा ना ये इस तरीके का फ्लावर या कैरी का वर्क आप बोलते हो उस तरीके का किया गया है। मैं ना आपको साइड में वीडियो भी दिखा दूँगी जो मैंने पहना है। और इसका भी सेम आउटर, ये जो स्लीव का मटेरियल बोल सकते हैं वो जॉर्जेट का है। और इसकी स्लीव में भी ना बहुत ही अच्छी सी आप देखेंगे तो चिकनकारी वर्क है। और ये पूरा यहाँ तक आप देखेंगे तो चिकनकारी का वर्क है। और इसका जो नीचे का पार्ट है, जैसे कि मैंने पहली कुर्ती में दिखाया उस तरीके के, इसमें भी बहुत ही अच्छा वर्क दिया गया है आप देखेंगे तो। तो ये कुर्ती भी ना मुझे बहुत ही पसंद आई, पहनने के बाद ना बहुत सुंदर लगती है। तो आप इसके लिए डेफिनेटली जा सकते हैं। तो ये हो गई हमारी सेकंड कुर्ती ख़त्म। और थर्ड वाली इज़ माय फेवरेट, क्योंकि ये ना वाइट कलर है, मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है। तो मैंने ये देखते ही ऑर्डर कर दी। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे वाइट कलर की इस तरह की कुर्ती पहनना बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ आप झुमके पहन सकते हैं ऑक्सोडाइज के, तो बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो हम बात करें तो इस कुर्ती में भी ना वो लाइट स्काई ब्लू कलर मैंने आपको दिखाया पहली वाली कुर्ती, इस तरीके से इसमें भी आप साइड में देखेंगे तो इस तरीके का कुछ क्रॉस वर्क है। और बीच में इस तरीके का पूरा नीचे, ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरा है। इसमें साइड में आप देखेंगे तो साइड में भी इस तरीके का वर्क है और यहाँ पे भी है। तो ये पूरा एंड तक इस तरीके का वर्क आएगा, इसमें नीचे कोई भी हैवी सा वर्क नहीं है। तो ये आपको पहनने के बाद बहुत ही अच्छी लगेगी, मैं बता रही हूँ। और इसके स्लीव में थोड़ा हैवी सा वर्क है, इसलिए प्लेन स्लीव नहीं है। इसमें भी आप देखेंगे तो ये
आप क्या बोलेंगे, इसके क्रॉस वर्क दिया गया है और इसके स्लीव में भी इस तरीके के कैरी का वर्क दिया गया है जो कि बहुत ही क्लासी और सुंदर लगता है। और ये पहनने के बाद ना बहुत ही एलिगेंट लुक आता है, तो आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। और मैं ना आपको सबकी प्राइस ना नीचे दिखा दूँगी, बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर इट राइट नाउ। सो हमारी लास्ट और फोर्थ वाली कुर्ती होने वाली है, जो कि आप बोल सकते हैं कि आप शादी में भी पहन लोगे तो बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लगेगी विदाउट एनी डाउट। तो हमारी फोर्थ वाली कुर्ती है जो कि ये वाली है, आप देखेंगे, क्योंकि ये ना बहुत ही सुंदर लगती है, आप कहीं भी कोई भी फंक्शन में पहन लोगे ना तो बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही अच्छा लुक देती है। तो ये जो हमारी कुर्ती है कुछ इस तरीके की है। यहाँ पे ना ये आप ये जो वर्क देख रहे हैं गोल्डन कलर का, ये पूरे में वर्क दिया गया है, तो ये यहाँ तक का पूरा इस तरीके का वर्क है। और आप इसका डाउन पार्ट देखेंगे तो कुछ इस तरीके का अलग तरीके का वर्क दिया गया है, जो कि बहुत ही हैवी लगता है अगर आप पहनते हो कोई भी फंक्शन में। तो आप देखेंगे कोई भी आप इसके साथ हैवी सा मतलब चोकर पहन लेंगे तो भी बहुत ही एलिगेंट लुक देगा, या बहुत ही बड़े झुमके पहन लेते हैं तो बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो आप देखेंगे कि इसमें ना नीचे इस तरीके का कुछ वर्क दिया गया है, छोटे छोटे जो सर्कल है उस तरीके का, और नीचे ना ये फ्लावर वाला दिया गया है गोल्डन वर्क में। तो ये मुझे बहुत ही पसंद आया इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया। और इसका भी सेम स्लीव है जॉर्जेट में, और इसकी जो स्लीव है उसमें भी ये गोल्डन वाला और चिकनकारी वर्क दिया गया है। तो ओवरऑल ये 5 out of 5 है, और मैं बता दूँ इस सब की क्वालिटी जो है वो बहुत ही बढ़िया है, आप क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तो मैं ये ऑर्डर करूँगी और भी नई कुर्तीज़। और अगर आपको वो वाले हॉल देखने हैं तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, तो मैं और कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।